इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी ने आश्रम में हाइजीनिक किट वितरण का निर्णय चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल व सभी एग्जीक्यूटिव ने लेकर आज 50 हाइजीनिक किट संस्था को प्रदान किए। कार्यक्रम का प्रारंभ महिला आश्रम के अध्यक्ष अशोक मेठी के स्वागत उद्बोधन से किया गया। इस मौके पर यूथ चेयरमैन शशांक झालानी ने आश्रम के लिए मसालों की व्यवस्था सीबा किचन मसालों की ओर से करवाने की घोषणा की। अलका मित्तल ने साफ सफाई रखने और नियमित रूप से सभी को नहाने धोने के साथ ही खाना खाने पर जोर देकर वहां उपस्थित सेवा कर्मियों को इन बातों का ध्यान रखने का आग्रह किया। अलका मित्तल ने भजनों के ऊपर सभी प्रभु को नृत्य करवाया। मुख्य अतिथि व इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल ने सेवा कार्य करने का मौका देने के लिए अशोक मेठी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आश्रम में जितनी भी महिलाएं इन प्रभु जी की सेवाएं कर रही है, असल में ये सभी बधाई की असली हकदार हैं और आज फादर्स डे पर महिला होते हुए भी पिता तुल्य अपना फर्ज निभा रही है। डॉक्टर मित्तल ने हर महीने मित्तल हॉस्पिटल की ओर से महिला आश्रम में एक मनोचिकित्सक, एक आंखों के डॉक्टर, एक महिला रोग विशेषज्ञ से निःशुल्क सेवाएं प्रदान करवाई जाएंगी। साथ ही इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा भी यथासंभव सेवा प्रदान की जाएगी। भिवाड़ी रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन नीरज जैन ने भी यथासंभव सहायता करने की बात कही। इस मौके पर आश्रम में सेवा कार्यों को देखकर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के 5 सदस्य अलका मित्तल, एग्जीक्यूटिव मेंबर अलवर शशांक झालानी, यूथ चेयरमैन अलवर नीरज जैन, चेयरमैन भिवाड़ी दीपक हल्दिया, सचिव भिवाड़ी व मिथिलेश गुप्ता ने अपना घर महिला आश्रम की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में महिला आश्रम की उपाध्यक्ष सरला जैन, सतीश गुप्ता, धर्मेंद्र, मुकेश व स्टाफ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मंच संचालन सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने किया।